चलिए आगे बढ़ेंगे। जर्मनी और लंदन की जमीन से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार और बीजेपी पर आरोपों के तीर छोड़े जा रहे हैं। कभी वो भारत में बेरोजगारी को इराक और सीरिया के आतंकी संगठन आइसिस से जोड़ते हैं, तो कभी आरएसएस पर अरब देशों के मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा होने का आरोप लगा देते हैं। और अब उन्होंने 1984 की सिख विरोधी हिंसा को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। आज फिर से घाव में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। क्या राहुल गांधी जी भूल गए कि उनके आदरणीय पिताश्री और हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसका परिणाम क्या हुआ था 84 में हमने देखा था। बीजेपी अब राहुल गांधी को उनके पिता राजीव गांधी के इस बयान की याद इसलिए दिला रही है क्योंकि राहुल गांधी ने लंदन में एक सवाल के जवाब में कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस शामिल नहीं थी। दो दिनों की ब्रिटेन यात्रा पर गए राहुल ने वहां के सांसदों और स्थानीय नेताओं से बातचीत के दौरान 1984 को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा है कि मेरे मन में उसके बारे में कोई भ्रम नहीं है। ये एक त्रासदी थी, ये एक दुखद अनुभव था। आप कहते हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल थी, मैं इससे सहमति नहीं रखता। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी और अकाली दल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में सिख विरोधी हिंसा शुरू हो गई थी। इसी हिंसा में आधिकारिक तौर पर 2733 लोग मारे गए थे, जबकि वैसे इसका आंकड़ा और ज्यादा बताया जाता है। HKL भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और धर्मदास शास्त्री जैसे बड़े कांग्रेस नेताओं का नाम इस हिंसा से जोड़ा गया। HKL भगत तो इस आरोप में जेल भी गए थे। नानावटी कमीशन को दिए गए तमाम एफिडेविट में कहा गया है कि कई कांग्रेस नेताओं को भीड़ को भड़काते हुए देखा गया। हजारां सिख भैण भरावां दे कतलेआम करन दे बाद हले भी तुसीं प्रोटेक्ट करन ते लगे हो। जगदीश टाइटल ने स्टिंग ऑपरेशन जिहड़ा होया उहदा उहदे च बड़े बोस्ट तरीके नाल किया कि 100 घट तों घट 100 सिख तां मैं मारे आ। हालांकि कांग्रेस नेताओं पर आरोप के कई मामले अभी भी अदालतों में ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद 1984 की हिंसा को लेकर माफी मांग चुके हैं। विद रिगार्ड टू द इवेंट्स ऑफ 1984, दीज आर हॉरिबल क्राइम्स, दे शुड हैव नेवर हैपेंड। I have on behalf of the government of India apologized on behalf of the nation for what happened in 1984. यही नहीं, राहुल गांधी भी खुद 2014 में एक इंटरव्यू में ये बयान दे चुके हैं। 1984 की सिख विरोधी हिंसा में संभवतः कुछ कांग्रेस के लोग शामिल थे, लेकिन 4 साल बाद लंदन जाकर वो अपने ही बयान से पलट गए और 84 दंगों में कांग्रेस की भूमिका से इनकार कर दिया। हालांकि जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में दोबारा उनसे 1984 के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने फिर खुद ही मनमोहन सिंह की माफी का हवाला भी दिया। When Mr. Manmohan Singh spoke, he spoke for all of us. And as I said earlier, I'm a victim of violence and I understand what it feels like. So I am against any sort of violence against anybody. So I condemn that 100% and I am 100% for punishment of people who are involved in any violence against anybody. तो सवाल ये है कि आखिर क्यों राहुल गांधी 1984 को लेकर बार बार अपने बयान बदलते हैं? बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए, और अगर वो ये मानते हैं कि 1984 की हिंसा के पीछे किसी कांग्रेसी की कोई भूमिका नहीं थी, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि आखिर उस हिंसा के पीछे जिम्मेदार कौन था, क्योंकि उस वक्त दिल्ली से लेकर केंद्र तक कांग्रेस की ही सरकार थी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।